तो गुड मॉर्निंग हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। प्लान हो सकता है मेरा आज या कल में, मैं घर जाने वाला हूँ, बोकारो जाने वाला हूँ। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैं बोकारो जा रहा हूँ और कैसे जाना होता है कोलकाता से, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं ऑफिस की ओर। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं ट्रेन में कुछ क्यों नहीं दिखाता हूँ। अरे यार, ट्रेन में इतना भीड़ होता है ना कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो चलता हूँ अभी ऑफिस। लिफ्ट आ रहा है, लिफ्ट आते ही चलते हैं ऑफिस। तो अभी हम जा रहे हैं मलिक बाज़ार और मेरे साथ है मेरा एक जीतेन पासा, अपना पासा है, हाई कर रहा है पासा। तो हम लोग जाके आप जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, ताकि वहाँ पे आइटम्स मिलती है। तो हम लोग अभी खाना लाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं। तो हमारा पासा जो है वो अंदर अंदर ले जाते हुए, कोई अच्छा मार्केट बोल रहा है, अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे और किफ़ायती रेट, बहुत रेट कम भी है। तो आप लोग आओ कलकत्ता। तो सबसे बड़ी कलकत्ता की बात यही है कि आपको यहाँ पे खाना जो है ना वो बहुत सस्ते में मिलता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं उसी जगह पे। तो ये तंदूरी रोटी बन रहा है, क्या बोल रहा है, पनीर, पालक पनीर बोला ना, नहीं बटर पनीर है। कैसे है ये पनीर, उन्हें कैसे है पनीर? 30 रुपया प्लेट। तो आप समझो 30 रुपया प्लेट में आपको पनीर मिल रहा है, बटर पनीर मिल रहा है, उसके बाद मिक्स वेज मिल रहा है, उसके बाद आलू दम मिल रहा है, सारा चीज, सारा चना, पालक पनीर प्लेन तड़का। बताइए पालक पनीर उधर है, तो पालक पनीर पैक करवाओ। तो ये है मलिक बाजार। आपका लोकेशन क्या है भैया ये जगह का? मैक्लो स्ट्रीट। और ये रहा, कुछ दिख रहा है इधर में, हॉस्पिटल है, वो सही से दिख नहीं रहा है। तो यही सब सीन है। पालक पनीर भी बहुत टेस्टी लग रहा है। और जस्ट इसके अपोजिट में एक मंदिर भी है जो कि साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पे पूजा वगैरह भी हो रहा है। ये राइस चढ़ा हुआ है। ये पंडित जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। यहाँ देखिए थोड़ा हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पंडित जी बहुत अपना मेहनत करते हुए, जो भी उनका पूजा का सारा चीज है वो सब कर रहे हैं। पंडित जी ये भोग कहाँ से लेते हैं? बगल से ना, ये दुकान से ना। अच्छा, ये भोग भी ये दुकान ही का है ना? बोलिए। बगल एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। बगल वाले दुकान से ही ये भोग भी जो है भगवान को चढ़ाते हैं, वो यहाँ बगल वाले दुकान से ही लेते हैं ये। तो यहाँ पे जो खाने का सिस्टम है ना, यहाँ से सस्ता चीज महंगे से महंगा चीज आप सब चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और भी चीजें आपको दिखाता रहूंगा यहाँ पे। और ये बगल में मुझे कुछ दिख रहा है, मैं आपको ये देखिए। बहुत सही लग रहा है। तो ये सब चीजें भी जो है ना, बहुत पुराने जमाने के घर हैं यहाँ पे और बहुत सारे चीजें। और इधर बगल में भात दाल सब्जी जो भी जिसको भी खाना होता है वो सब चीजें भी यहाँ पे मिलती है। तो जीतेन हमारा जो है वो सारा कुछ बता रहा है। तो पासा बताओ इस जगह के बारे में थोड़ा। इस जगह ऐसी सबको, गरीबों का खाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत मस्त है, कम पैसे में टिकाऊ खाना। हाँ। और यहाँ पे अगर चाहे आदमी तो बड़ा आदमी लोग भी खा सकता है, छोटा आदमी सब खाता है। तो यही है। और यहाँ पे पूजा पंडाल भी बन रहा है। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या होता है। तो अभी हम लोग खाना लेके सीधा ऑफिस जाएंगे, ठीक है पासा? तो पासा लाइक सब्सक्राइब बोल दीजिए, लाइक कर दीजिएगा प्लीज वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। तो यही मलिक बाजार की गली है जहाँ से अभी हम लोग खाना लेके जा रहे हैं और अजान हो रहा है।
तो चलते हैं। कोलकाता का यही सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ पे बहुत सजावट होता है दुर्गा पूजा में। तो आज से समझ लीजिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सजावा बहुत सारी जगह ऐसी है और अभी मुझे जस्ट एक जगह ऐसा दिखा है तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाने का। तो कोशिश करते हैं, चलते हैं सर। क्योंकि ट्रेन में बस में खड़े खड़े आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, चलने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। दुर्गा पूजा में इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है ना कि यार पागल हो जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा एडिटिंग सोच रहा हूँ करूँ, नहीं तो सो जाना है आज। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब का बटन तोड़ डालें जो करना है करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें होती रहेगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे नई सुबह के साथ। तो चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। गुड नाइट, शबा खैर, अल्लाह हाफिज़। महाकाल का ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।